दोस्तों देखिए, हम काढ़ा बना रहे हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम पानी डाल दिए हैं और तुलसी पत्ता डाल दिए हैं। अब चलिए गैस जला लेते हैं। देखिए गैस भी जला दिए हैं। अब इसमें डालेंगे अजवाइन एक चम्मच। देखिए हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसमें हम लवंग ले लिए हैं। देखिए चार मेरे पास लवंग है। देखिए हम चार लवंग लिए हैं। इस लवंग को हम कूट लेंगे और फिर डालेंगे। देखिए लवंग को कूट लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गिलोई। देखिए ये जो मेरे पास गिलोई है। अब फिर अदरक इसमें घिस के डालेंगे। चलिए देखिए हम डालते हैं अदरक को भी घिसते हैं। देखिए तो यहाँ अदरक को हम कर लिए हैं। इससे हम घिस लिए अदरक को और गिलोई को हम छोड़ दिए हैं। अब चलिए इसमें देखिए डालते हैं। काढ़ा तो काढ़ा बनेगा, एकदम सर्दी जुकाम के लिए ये रामबाण है। आप लोग को मेरा आवाज़ भी लग रहा है भारी भारी। अब देखते हैं इसको पीकर कैसा रहता है। और 10-15 मिनट के लिए इसको 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक के ऐसे पकाएंगे। जब तक मतलब पकाएंगे इसका कलर एकदम बिल्कुल चेंज ना हो जाए। देखिए एकदम ढक के रहेंगे। देखिए दोस्तों मेरा 2 मिनट हो गया है। अब इसको हटाएंगे। देखिए कैसा हो गया, एकदम बिल्कुल भी कलर चेंज हो गया। अब थोड़ा गुड़ डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। अब इसमें हल्का सा फिर 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं। जब गुड़ और नमक इसमें एडजस्ट हो जाए 1 मिनट के लिए ढक के पका। और देखिए दोस्तों 1 मिनट हो गया। अब इसको हटाएंगे और देखिए एकदम बिल्कुल भी कलर चेंज हो गया। मेरा गुड़ भी इसमें मिक्स हो गया, देख रही हैं। और ये पूरी विंटर सीजन में आप काढ़ा को इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत अच्छा काढ़ा है। ऐसा काढ़ा आप लोग को कोई नहीं बताया होगा। और एक चीज़ और, आप लोग दालचीनी भी डाल सकती हैं, तेज़पत्ता भी डाल दीजिएगा। इतना ज़्यादा डाल दिए हैं ये सब, तो उस सब का ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा देख रही हैं 1 कप भर ही इतना कुछ डाले हैं, बस 1 कप बनाए हैं। और अपने बच्चों को भी दे सकती हैं, हस्बैंड को भी दे, हर किसी को दे सकती है। ये काढ़ा सबके लिए है। और चलिए हम गैस बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं फिर पीते हैं। देखिए दोस्तों छानने की मदद से हम इसमें छान लेंगे, डाल लेंगे। देख रही हैं, देखिए मेरा काढ़ा इतना हुआ है। और इसको हम पी जाएंगे, गरम गरम पियेंगे। क्योंकि गरम गरम पीने से ना जो गला में जो थोड़ा सा दर्द जैसे है, चाहे कुछ बलगम जैसे है, उस सब के लिए राहत देगा। अब आप इसको गरम गरम पीजिए, मतलब फूक फूक के, ये नहीं कि बस गरम है पिए, नहीं, फूक फूक के पियेंगे और बहुत आराम मिलेगा सर्दी जुकाम में। अब देखिए मेरे को भी सर्दी जुकाम हो गया, पी के देखते अगर आराम मिलेगा ही। क्योंकि ये अब आज से सोचे हैं डेली इसको पियेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, दवा खा खा के थक गए हैं। ये काढ़ा को आप लोग एक बार इस्तेमाल करिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय।